आज से कुछ दिन पहले मैंने अपने दुख दर्द को सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से सनातन धर्म के मानने वालों तक पहुंचाने की कोशिश की थी, ताकि वो समझे कि हमारे साथ किस तरह से इस्लामिक कट्टरपंथी साजिश कर रहे हैं, हमें किस तरह से फंसाया जा रहा है। उसके बाद से तो कट्टरपंथी मुसलमानों के और कट्टरपंथी मुल्लाओं के बहुत से वीडियो वायरल हुए, जिसमें यह कहा गया कि हम पर अल्लाह का अजाब है, उनका अल्लाह हमसे बदला ले रहा है। मैं ऐसे किसी भी अल्लाह पर विश्वास नहीं करता जो ये कहता हो कि उसके अलावा कोई पूजनीय नहीं। मैं सनातन धर्म के रीति रिवाज के साथ में सभी देवी देवताओं को मानता हूं, उन पर आस्था रखता हूं, और हमारे पाप और पुण्य का फैसला ईश्वर करेगा, ब्रह्मा विष्णु गणेश करेंगे, शंकर भगवान करेंगे, महादेव हमारी रक्षा करेंगे। وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, तबाही हो उस दिन झुटलाने वालों के लिए। هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ, يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ, ये है वो दिन जिस दिन वो बोल नहीं सकेंगे। وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ, ना उन्हें ये इजाजत होगी कि वो कुछ झूठे बहाने, कुछ उजर पेश कर सके। ये चरब जुबानियां, लंबी जुबान, ये दुनिया में ही है, आखिरत में किसी की जुबान नहीं चलेगी। जितना मर्जी कोई लंबी जुबान वाला है, अल्लाह के सामने किसकी जुबान चल सकती है? ये दुनिया में लंबी जुबानें क्यों चलती हैं कि हम जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको छुपाने के लिए आर्गूमेंट्स करते हैं। अल्लाह के सामने कौन आर्गूमेंट कर सकता है कि या अल्लाह मेरी ये मजबूरी थी, इसकी वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ सका? अल्लाह को कौन ये बता सकता है? ये दुनिया में कहा जा सकता है, जो रिस्क माना भी था जनाब, इबादत है ना। ये दुनिया में तो सारे डंडियां आप मार सकते हैं, अल्लाह ताला को कोई कहानी करवा सकता है? अल्लाह को तो कोई कहानी, तो अल्लाह फरमाता है कि उनको बोलने की इजाजत नहीं होगी। और इसकी तफसीर तो फिर सूरह यासीन में आता है ना, अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, हम उनके मुंहों के ऊपर मोहर लगा देंगे, उनके हाथ और पांव, उनसे हम कलाम करेंगे, वो उनके किए हुए अमाल के ऊपर गवाह होंगे। सूरह हमीम में सजदा में आता है कि इंसान अपनी खाल और अपने अजाद से कहेगा कि तुम तो मेरे थे, तुम मेरे खिलाफ भी गवाही देना शुरू हो गए, तुम्हें किसने जुबान दे दी? तो खाल और इंसान के जिस्म के अजाब बोल कर कहेंगे, हमें उसने जुबान दी है जिसने हर जीरू को, हर जिंदा चीज को जुबान दी थी। उनका उजर कबूल नहीं किया जाएगा। वैलुयौमिल्मुकद्दिबीन, तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। हादा यौमुल फसल, ये है फैसले का दिन। जमअनाकुम वल अव्वलीन, जिस दिन हम तुम्हें भी जमा करेंगे और सारे अव्वलीन, अगले जितने गुजर चुके हैं, तमाम अगलों और पिछलों को उस दिन जमा कर लेंगे। फइन काना लकुम कैदुन फकीदून, बस अगर तुम्हारे पास कोई चाल है तो मेरे खिलाफ चल के दिखाओ। हाय 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 यार, अल्लाह बड़ा डाडा है। ये तंज करना और इतने सख्त अंदाज में गुफ्तगू करना इसीलिए कि इंसान अपने आप को दुरुस्त कर ले। अल्लाह ताला फिर क्या फरमाएगा, लो अब जमा हो गया, कर लो, आप कोई चाल है तो चल के बताओ। और ये अल्लाह का कितना करम है कि ये जो उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से टॉन्ट और ताना मिलना है इंसान को, वो दुनिया में सुनाया जा रहा है और वीडियो चलाई जा रही है, ताकि उस दिन के आने से पहले पहले उस टॉन्ट से, उस ताने से तुम बच जाओ। ये अल्लाह की करम नवाजी है। सूरतुल मुमिन में एक बड़ी जबरदस्त आयत है, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं अक्सर कोट करता हूं, मेरा यूट्यूब पे एक क्लिप भी है, क्या अल्लाह को भी तकलीफ होती है? सूरतुल मुमिन के शुरू की आयत में से अल्लाह ताला फरमाता है कि हम मुजरमीन को जब क्यामत वाले दिन अजाब देंगे ना, फिर उनसे पूछेंगे कि आज तुम्हें तकलीफ हो रही है ना, आज अपनी जान से तुम बेजार हो ना इस तकलीफ की वजह से? वो कहेंगे हाँ। तो अल्लाह ताला फरमाएगा इससे ज्यादा हमें तकलीफ होती थी जब दुनिया में तुम्हें हमारी तरफ बुलाया जाता था और तुम रूगर्दानी करते थे। ये अल्लाह ताला का अंदाज बता रहे हैं। जिस तरह हम अपनी भी लैंग्वेज में एक बात करते हैं ना, उन पता लगा अब बच्चू जी,
कहते हैं ना, अब पता चला बच्चू जी, ये छोटे बच्चे कहते हैं ना, तो अल्लाह तआला माता अब पता चला, जब दुनिया में तुम्हें हमारी तरफ बुलाया जाता था तुम रुगर्दानी करते थे, तो हमें इससे ज्यादा तकलीफ होती थी जो आज तुम्हें अपनी जान से हो गई। तो इस पे मेरा यूट्यूब पे क्लिप है, क्या अल्लाह को भी तकलीफ होती है? ये बिल्कुल पूरा लेक्चर सुनने वाला है, मसला नंबर 196, फिक्र आखरत पे इससे बेहतर लेक्चर मेरा कोई नहीं है। काश मैं दुनिया में वापस जा सकता, ये उसका टाइटल है, जिसमें मैंने सूरह सजदा की 11 आयात और कुरान रेफरेंस के तौर पे कई आयात कवर की है। अल्लाह ताला फरमाएगा, हाँ भाई कुछ चाल है तो चल लो, वही लू यूम दिल मुकद्दिबीन, तबाही हो उस रोज झुटलाने वालों के लिए। ये 40 आयात में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है उन लोगों का जो अल्लाह के नाफरमान है। अब कुरान पाक का चूंकि एक इम्तजाज है कि वो फिर पॉजिटिव गुफ्तगू अहले ईमान के हवाले से भी करता है, साइमल्टेनियस कंट्रास्ट। लेकिन आपको हैरानगी होगी कि ये आप जो अहले ईमान के हवाले से जिक्र आएगा कि उनको जन्नतें मिलेंगी, उसमें फिर यह आयत रिपीट होगी, वही लुई उमय दिल दिल मुकद्दिबी, यानी जन्नत के जिक्र में भी अल्लाह ने दोजख के जिक्र को दाखिल किया है कि दोजख से गाफिल नहीं होना। इन्नल मुत्तकीन फी ज़िलाल व उयून, बेशक अल्लाह से डर जाने वाले लोग सायों और चश्मों में होंगे उस दिन। वफा व फवा की हा मिम्मा यश्तहून, और उन फलों में होंगे जिनको वो पसंद कर रहे होंगे। कुलू वश्रबू, अल्लाह ताला फरमाएगा मजे से खाओ और पियो। हनी अम बिमा कुंतुम तामलून, इन अमाल के सिले में यहां पे खूब रचो और बसो जो तुम दुनिया में किया करते थे। अमाल के बदले में, सर सिर्फ निस्बत के बदले में नहीं, सिर्फ कलमा पढ़ने के बदले में नहीं, अमाल के बदले। इन्ना कदालिक नजजिल मुहसिनीन, बेशक हम इसी तरह का बदला दिया करते हैं नेकोकारों को। लेकिन वैलुन यौमइज़िल मुकज़्ज़िबीन, जन्नत के अंदर भी जिक्र आ गया। यहां तो कोई बूढ़ा भी हुआ है ना, उसे कहे ना यार वो खौफ खुदा कर लो, वो कहते जी हूं तुम जिंदा सानू जाके दबाओ। 70 साल का भी होगा, 80 साल का भी होगा ना, तो वो अभी जीने की ख्वाहिश रख रहा होगा, तो कह रहा होगा कि अच्छा जी फिर मुदाबी आओ जाके, कुछ जन्नत की भी गल करो, सिर्फ दोजख की गल। अल्लाह ताला ने ये कुरान पाक में उसरूप बताया कि यहां पे अब आप ये देखें, ये आयत दो दफा रिपीट होगी जन्नतियों के जिक्र में भी, इसलिए कि ताकि इंसान का किबला दुरुस्त रहे। सिर्फ जन्नत की बातें करने से किबला दुरुस्त नहीं हो रहता जब तक कि जहन्नुम का जिक्र ना किया जाए। कुलू व तमत्तउ क़लीलन इन्नकुम मुजरिमून, अब फौरन रोए सुखन फिर वापस आ गया मुजरमीन की तरफ, हल्का सी जन्नत की सैर करा के वापस। खाओ और पियो, दुनिया में ऐश कर लो थोड़ा सा वक्त। इन्नकुम मुजरिमून, बेशक फिर है तो तुम मुजरिम ही हो ना, कितनी याशी कर लोगे, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, 130, 35 साल, कितने साल का जी लोगे? 100 साल से ऊपर तो बहुत कम लोग जाते हैं। जापान में इस वक्त यानी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग हैं जो 100 को क्रॉस किए हैं, 5,500 लोग हैं, और उनमें भी जो सबसे ज्यादा उम्र रसीदा खातून है वो भी 125 से ऊपर नहीं गई हैं। कितना कोई जी लेगा सर? दुनिया में कोई 150 साल भी जी ले, सिर्फ क्यामत का दिन जो है ना वो 50,000 साल का दिन है। अजाब की तो बात ही नहीं हो रही, वो तो करोड़ों अरबों साल के लिए, सिर्फ क्यामत का दिन जो है ना वो 50,000 साल का दिन है। सिर्फ दुनिया में नाफरमानी के सबब क्यामत का दिन ही अजाब में काटना पड़ जाए ना, तो ये अनइमेजिनेबल है, 50,000 साल। اللهم اجرنا من النار امين ويل يومئذ للمكذبين, तबाही और बर्बादी हो उन लोगों के लिए जो झुटलाया करते थे। واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون, और जब इन्हें कहा जाता है कि रब के सामने झुको तो झुकते नहीं है। क्यों नहीं झुकते? वो कहते हैं कुछ भी है या अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत से नमाज़ें पढ़ने की कौन सी जरूरत है। अभी भी YouTube के पर कितने बाइजीन हैं, बड़े तगड़े किस्म के,
जो क्लियर कट आके ये बयान देते हैं कि जी बस जो बंदे ने कलमा पढ़ लिया है, नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखता है, अब उसे कोई जरूरत नहीं नमाज रोजा करने की, वो जंती हो चुका। और इस तरह के जो वाइजीन है ना सर, उनकी तकरीरों के ऊपर जो नारे लगते हैं ना, और कहीं नहीं लगते, क्योंकि सस्ती जन्नत बेच रहे होते हैं। अच्छा, इंसान भी कितने बेवकूफ़ हैं, खुद अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। इंसान अगर खुद थोड़ा सा तफक्कुर करे, वो भी समझ लेगा कि यार ऐसा करने से कैसे हो सकता है। दुनिया में बगैर मेहनत के मजदूरी नहीं मिलती, और अल्लाह जिसने पैदा ही मजदूरी के लिए किया था, मजदूरी से मुराद वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। और इस पर इमाम गजाली ने बहुत ज़बरदस्त बात इहयाउल उलूम में की मैं सआदत में लिखी है कि अगर तुम लोगों का ये ढकोसला मान लिया जाए ना कि अल्लाह ताला ने ये सब कुछ बस सिर्फ ड्राई एंड पे छोड़ ही देना है, कोई किसी का हिसाब किताब नहीं होना, किसी को अजाब नहीं होना, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि अल्लाह ताला और उसके पैगंबर दुनिया में ठट्टा करते रहे हैं हमारे साथ। नऊज़ु बिल्लाह, ज़ारे पूरा कुरान धमकियों से भरा पड़ा कि नहीं करोगे तो रगड़ा लग जाएगा, तो ये सब मजाक होता रहे? ऐसा नहीं, तुम्हें समझ नहीं आई असल में, ये ठट्टा नहीं है, ये बहुत सीरियस मामला है। जब अल्लाह के सामने झुकने के लिए कहा जाता है तो वो झुकते नहीं है। मुकद्दिबीन, तो बर्बादी है उस रोज छुटलाने वालों के लिए। अब इस कुरान के बाद किस और बात के ऊपर ईमान लेकर आओगे? यानी कुरान में इतनी वाज़े धमकियां आने के बाद अभी भी किसी चीज का इंतजार है कि हमें कोई इस तरीके से आगे बात समझाए तो हम समझ जाएंगे? अल्लाह ताला माता है, इस वाज़े धमकी जो कुरान की शक्ल में नाजिल हो चुकी है, इसके बाद अब कौन सी चीज है जिसके तुम इंतजार में हो कि उसके बाद तुम बात को कबूल करोगे? जब इस कायनात का मालिक खुद अपने पैगंबर के जरिए उसका कलाम नाजिल हुआ और वो खुद धमकियां लगा रहा है, ये नबी इस्लाम का कलाम नहीं है, कलामुल्ला है, आपकी मुबारक जुबान से निकला है, कलाम तो अल्लाह का है। इससे बड़ी कोई चीज हो सकती थी कि अल्लाह ताला खुद धमकी लगाए? तो तब आपको यकीन आए और मुझे यकीन आए, सबसे बड़ी चीज यही हो सकती थी। तो अल्लाह तो मैं फबी अय हदीथिम बादहु युमिनून, किस बात पर इस किताब के बाद ईमान लाओगे तुम लोग? अल्लाह का कुरान नाजिल होना, उसकी किताब का नाजिल होना, और फिर सिर्फ किताब नहीं, उस किताब की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कुरान मुजस्सम, कुरान का अगर कोई एक जिस्म बनाया जाता एक प्रैक्टिकल, तो नबी इस्लाम की मुबारक ज़ात है वो। जो सही मुस्लिम में हदीस है, सईद आयशा से किसी ने पूछा कि नबी इस्लाम के अखलाकियात कैसे थे, आप अलैहिस्सलाम के मामलात कैसे थे, तो उन्होंने कहा कुरान नहीं पढ़ते, कुरान ही नबी इस्लाम के अखलाक। यानी कुरान का मतलूब इंसान अगर कोई रूए अर्ज पे है प्रैक्टिकल फॉर्म में, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात है। प्रैक्टिकली उन्होंने करके भी दिखा दिया, सिलेबस की फॉर्म में किताब दे भी दी, और क़यामत तक के लिए छोड़ भी दी। हजरतुल वदा के मौका पे भी फरमाया कुरान छोड़ के जा रहा हूँ और मेरी सुन्नत। गदीर खुम पे भी फरमा दिया कि कुरान को पकड़ लेना, हदायत पे रहोगे, छोड़ दोगे गुमराह हो जाओगे, और मेरे अहले बैत के साथ उसने सलूक करना। कुरान कुरान ही करके गए नबी इस्लाम। इसीलिए मेरे भाइयों, जो मेरा पहला मसला है ना, मसला नंबर वन, वो है ही है इमामुल अंबिया की दावत कुरान। और मेरा रिसर्च पेपर नंबर 4 है उसी के ऊपर, उस पर हमने टाइटल आयत लगाई है सूरतुल अनाम की आयत नंबर 19, नबी इस्लाम फरमा दीजिए ये कुरान मुझे इसलिए वही किया गया ताकि इस कुरान के जरिए मैं तुम्हें डर सुनाऊं, और जिस तक ये किताब पहुंच जाए वो इस किताब के जरिए डर सुनाए। फज़क्किर बिल कुरान मन यखाफु वईद, कुरान के जरिए नबी इस्लाम नसीहत कीजिए उसको जो खुदा की धमकी से डर जाए। तो नबी इस्लाम की दावत का ताना बाना ही कुरान था। सही मुस्लिम में ऊपर तले 4 हदीस हैं किताबुल जुमुआ चैप्टर के अंदर कि नबी इस्लाम कुरान हकीम ही पढ़ के तकरीर किया करते थे, और अक्सर सूरह काफ होती थी, सूरह नंबर 50 पारा नंबर 26 के अंदर। तो कुरान के जरिए आप अलैहिस्सलाम तज़कीर किया करते थे, इसी के जरिए नसीहत किया करते थे, इसीलिए आपको असर भी नजर आता था, किससे कहानियां नहीं थी बल्कि अल्लाह का सच्चा कलाम था।